पूरा हिसाब करते हैं, हिसाब मिल गया जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, निवेश, खेल खिलाड़ियों में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में नंबर एक है, आज महंगाई में नंबर एक है, आज कानून जो अपराध में बहुत आगे चला गया, जहां चुनौतियां जिस प्रकार से मिल रही हैं, कोई एक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और खेल खिलाड़ियों को आप देख ही रहे हो हमारी बेटियों किस प्रकार से उनको मजबूरी में जंतर मंतर बैठना पड़ा, अब तक नहीं न्याय मिला उनको, ये हिसाब है इनका, कोई एक भी, मैं बार बार कह रहा हूं इनको, मैं इनका अखबार में एडवर्टीजमेंट पढ़ता हूं, उनको भी कहते हैं ये IIT की एक्सटेंशन, अरे IIT की एक्सटेंशन हमारे सामने बिल्डिंग बनती हुई थी, तैयार हो चुकी तब उसका, कभी कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो हमारे समय का, कोई भी एक भी संस्थान इनका समय का नहीं है, एक भी इनकी उपलब्धि पूरे 9.5 साल में नहीं है, वो तो ये गिनाए, ये हमारे टाइम के क्यों एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये जो कह रहे हैं नॉन स्टॉप हरियाणा है ना, ये हो गई नॉन स्टॉप करप्शन में हरियाणा, नॉन स्टॉप चल रही है करप्शन, फुल उस पर चल रही है, नॉन स्टॉप फेलियर, लोग नॉन स्टॉप ये अपराध बढ़ रहा है, ये है हिसाब है, वो तो पार्टी के दफ्तर में है, लेकिन मैंने सुना मोर देन 2000 से ज्यादा कर चुके, 2200-2300 पता नहीं जितने भी है, किसको नए चेहरों को, हाँ हलवाई मिलता है, सभी सभी होते हैं, नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, महिला भी होंगी, जवान भी होंगे, सभी होंगे, सबकी पार्टी, तेरा मन कर रहा है पर तू तो पुराना चेहरा है, और आमदनी किसान की घट गई, मैं MSP में जो बढ़ोतरी की, जिन फसल की हम बढ़ोतरी करते हैं उसमें भी ना काफी बढ़ोतरी करी, जो कि UPA के समय में 150-150% उनकी बढ़ोतरी हुई, गन्ने का भाव हमारे समय में कहां से कहां पहुंचा, इन्होंने ना के बराबर की है, लेकिन लागत बढ़ी है, ये सब समझ चुके हैं किसान कि किस प्रकार से जो 3 कानून आए थे जो किसान विरोधी थे, वो तो किसानों ने उसका विरोध किया, इनको मजबूरी में वापस लेना पड़ा, तो ये किसान के हित का कोई फैसला ये सरकार लेने में सक्षम नहीं है, और ये जो बात कही है मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री तो अधिकृत नहीं है, कोई बजट में प्रावधान नहीं है, कहाँ से देगा बजट दिखाओ मेरे को, उनको ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है MSP, और किसान की मांग है MSP की लीगल गारंटी हो, तो मैं जो फसलों की ऑलरेडी MSP है वो भी नहीं मिलती, कई फसलों में तो उन्होंने कह दिया जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होते, तो ये साफ है कि लोगों की किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सर JDU ने एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र बताया है दिनेश को बाहर निकालने का, KC त्यागी ने कहा है, बयान दिया है और रिकॉर्ड की सरकार को इस पर दखल देना चाहिए और बातें वो मैं तो कह चुका देना चाहिए भाई, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये मैं भी हर बार ही ओलंपिक्स में उसमें खेलों में रुचि रखता हूँ, लेकिन इस प्रकार से सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार को पूरा इस पर स्टैंड लेना चाहिए, मेरे को लगता है इसमें कोई ना कोई साजिश की गई है। सर एक भाजपा सांसद द्वारा रामचंद्र जांगड़ा द्वारा जी नरसिंह को लेकर एक बयान दिया गया है, नर साथ पकड़ लेती है जल्दी ठीक हो जाता है, आदमी आपको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? किसी की व्यक्तिगत बात मैं कहता नहीं, माफी मांग ली मैंने सुना है, लेकिन ऐसी अशोभनीय भाषा पार्लियामेंट में कोई कहे ये कोई शोभा नहीं देता है। लोग करेंगे ना हिसाब, समझिए अक्टूबर में कर दें, पूरा हिसाब कर दें, बताने लग रहा मैं, पूरा हिसाब कर दें, हिसाब मिल गया जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, निवेश,
खेल खिलाड़ियों में कानून व्यवस्था में नौकरी देने में नंबर एक था, आज बेरोजगारी में नंबर एक है, आज महंगाई में नंबर एक है, आज कानून जो अपराध में बहुत आगे चला गया, जहां श्रोतियां जिस प्रकार से मिल रही हैं, कोई एक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और खेल खिलाड़ियों को आप देख ही रहे हो हमारी बेटियों किस प्रकार से उनको मजबूरी में जंतर मंतर बैठना पड़ा, अब तक नहीं न्याय मिला उनको, ये हिसाब है इनका। कोई एक भी, मैं बार बार कह रहा हूं इनको, मैं इनका अखबार में एडवर्टीजमेंट पढ़ता हूं, उनको भी कहते हैं ये आईआईटी की एक्सटेंशन, अरे आईआईटी की एक्सटेंशन हमारे सामने बिल्डिंग बनती थी तैयार हो चुकी सब उसके साथ, कभी कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो हमारे समय का, कोई भी एक भी संस्थान इनका समय का नहीं है, एक भी इनकी उपलब्धि पूरे 9.5 साल में नहीं है, हो तो ये गिनाए, ये हमारे टाइम के क्यों एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ये जो कह रहे हैं नॉन स्टॉप हरियाणा है ना, ये हो गई नॉन स्टॉप करप्शन में हरियाणा, नॉन स्टॉप चल रही है करप्शन फुल उस पर चल रही है, नॉन स्टॉप फेलियर, नॉन स्टॉप ये अपराध बढ़ रहा है, ये है हिसाब, वो अपना अपना तो कुछ है ही नहीं उनका, अपना कुछ अपनी बताए ना, कोई उपलब्धि बताए, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एक है पार्टी, मजबूत पार्टी है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रीय है, कोई भी पार्टी फैसला लेती है सब एकजुट होकर काम करते हैं। क्या रणनीति तो कह रखा है कि भाई हमारे 28 हैं और 3 विधायक हमारा समर्थन कर रहे हैं, 28 और 3 31, एक विधायक का डिस्क्वालीफाइड है और स्पीकर अभी उसके फैसला ही नहीं कर रहा, चलो उसका तो मतलब नहीं, मैं कितने 31 और चाहिए कितने 43 ना रणजीत की तो सीट खाली होगी, रणजीत की खाली होगी, हैं एक वो बादशाहपुर वाला का तो 44 ही है, तो कोई भी 28 और 3 31 हैं, कोई भी आ जाओ भाई, बाकी 9 4 13 13 विधायक कोई लेकर आ जाओ, हम लोग उसका समर्थन कर देंगे। बड़ा चिंता का विषय है जिस प्रकार से हुआ है, क्या कारण ये तो जांच का विषय है, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन जैसा पार्लियामेंट में कहा है, विदेश मंत्री ने कहा है, उस पहलू को भी देख रहे हैं। सर एक साक्षी मलिक का नाम भी सुनने में आ रहा है, वो भी चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसा कुछ है? पता नहीं, आपको पता होगा, मैं जो भी लड़ना चाहता है कांग्रेस की टिकट से, तो उन्होंने अप्लाई करा है, 10 तारीख का आखिर है, 10 तारीख तक इंतजार करें कि किसने दरखास्त की है। देखिए हमने तो पहली दफा सुना है ऐसा, क्या कारण हुए मैं कह सकता हूँ, आकर क्या है वो फाइनल में चली गई, पार्टिसिपेशन किया, तो अब कोई औचित्य नहीं था, क्या कारण बने मैं कह नहीं सकता कि उनके कारण है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो भी है, क्योंकि विनेश जो है हमारी बहुत अच्छी खिलाड़ी है और उसे दुनिया में नाम कमाया है। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उनके उसमें गए। प्रदेश सरकार द्वारा 24 फसलों को MSP पर खरीदने की घोषणा की गई, प्रदेश सरकार क्या मतलब, सिर्फ गुमराह करने की बात है, जो अभी केंद्र ने MSP दे रखी है हरियाणा में, तो वो उसकी भी MSP नहीं मिलती, ये तो जो अब इस टाइम पे इनका कोई अधिकृत होता है नहीं, हाँ MSP दे, केंद्र सरकार दे और लीगल गारंटी दे, उसकी कानूनी गारंटी दे कि कोई भी MSP से कम खरीदेगा तो उसकी सजा होगी, या MSP लेने का उसका अधिकार होगा, तो ये काफ़ी किसानों की मांग है। अरे चुनाव के जो है ये चुनावी वो हैं, ढकोसले हैं, सबको मालूम है कि इन्होंने
10 साल में तो किया कुछ नहीं, किसान को जो है कर्जे में डुबाने का काम कराया, जो कि इन्होंने वायदा किया था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी कहाँ करेंगे, मतलब लागत कई गुना बढ़ा दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, डीजल पे भी जो वैट हमारे समय में 9% था वो 17-18% कर दिया। और गांव में कहते हैं जो है जो आपस में मनमुटाव भी हो वो इस त्यौहार को दूर करते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, सब मजबूत समाज बनाने के लिए, निर्माण के लिए ये करते हैं। तो मेरी और मेरे साथियों की तरफ से बहुत बहुत पूरे हरियाणा वासियों को और सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनका जीवन सुखमय हो, सुखी रहें, आगे प्रगति करें, उनका परिवार भी प्रगति करे, गांव भी प्रगति करे, और इलाका भी प्रगति करे, और प्रदेश भी प्रगति करे, देश भी प्रगति करे। इन शब्दों के साथ जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम, 2-3 कार्यक्रम उन्होंने करे अलग अलग पार्कों में, वहाँ गए बहुत लोगों में स्नेह पूर्ण वो था वातावरण, बहुत बढ़िया वातावरण था, सभी ने बहुत खुशी मनाई है। और ये कहा है कि जो भी कोई छोटा मोटा मन मुटाव होगा आपस में हम दूर करेंगे और सब एक समाज को मजबूत बनाएंगे।